दोस्तों Vivo Z1 Pro जिसे अभी इंडिया में लॉन्च किया गया था कुछ दिन पहले और काफी जबरदस्त ये स्मार्टफोन है और काफी अच्छे प्राइस में आपको ये स्मार्टफोन दिया जा रहा है। उसके बाद में Realme X और Redmi K20 एंड K20 Pro को लॉन्च किया गया, दोनों की जो कीमत थी दोस्तों वो काफी ज्यादा रखी गई। जो रेस्पॉन्स है वो यहाँ पर Redmi K20 एंड K20 Pro को तो काफी कम मिल रहा है। उनकी जो सेल चल रही है वो सेल जो है करीबन एक एक घंटा तक चल रही, फिर भी जो उनका स्टॉक है दोस्तों वो यहाँ पर सेल नहीं हो रहा है पूरा। लेकिन दोस्तों अब Vivo एक और जबरदस्त स्मार्टफोन लेकर आ रहा है जो कि है Vivo S1। जी हाँ दोस्तों, Vivo अपना नया स्मार्टफोन Vivo S1 इंडिया में लॉन्च करने जा रहा है 7 अगस्त को। तो आज के शुरू हम यही बात करने वाले हैं कि Vivo S1 में आपको क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलेंगे और कितनी इसकी कीमत होगी, सारी डिटेल आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। और दोस्तों अगर आप फ्री पेटीएम कैश अर्न करना चाहते हैं तो मैंने आपको फोरफोन ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से आप फोरफोन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट 50 रुपीज का पेटीएम कैश पा सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं Vivo S1 के बारे में। Vivo Z1 Pro आपको जो है यहाँ पर 15,000 रुपये में काफ़ी ज़बरदस्त स्पेसिफिकेशंस दे रहा है। Realme X से भी आपको अच्छे स्पेसिफिकेशंस वहाँ पर मिल रहे हैं, लेकिन Realme X में आपको सिर्फ जो है पॉपअप सेल्फी कैमरा और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यही कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको Realme X में मिल रहे हैं, वरना जो परफॉर्मेंस है दोस्तों वो Vivo Z1 Pro की काफ़ी ज़बरदस्त है। और अब आप लोगों के लिए आ रहा है Vivo S1। तो बात करते हैं यहाँ पर Vivo S1 के बारे में कि Vivo S1 में दोस्तों आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलेगा वो 6.38 इंच का एक फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि एक सुपर AMOLED डिस्प्ले होने वाला है। और यहाँ पर आपको जो है वाटर ड्रॉप वाला नॉच देखने को मिलेगा। बात करें दोस्तों रैम की, तो फिलहाल जो है यहाँ पर एक वेरियंट इसका बताया जा रहा है कि 4GB रैम वेरियंट लॉन्च किया जाएगा और उसमें आपको 128GB का स्टोरेज देखने को मिलेगा। साथ में इस स्मार्टफोन में आपको जो है यहाँ पर SD कार्ड के लिए स्लॉट भी मिल जाएगा। बात करें दोस्तों प्रोसेसर की, तो इस स्मार्टफोन में आपको MediaTek का Helio P65 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा। और जो कैमरा होने वाला है दोस्तों वो रियर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। जो मेन सेंसर होगा वो यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का होगा। उसका जो अपर्चर होने वाला है दोस्तों वो F1.75 होने वाला है, यानी कि जो लो लाइट इमेज होंगी दोस्तों वो आपको इस स्मार्टफोन पर काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेंगी। और जो सेकंड सेंसर होगा वो यहाँ पर एक सुपर वाइड एंगल लेंस होने वाला है, जो कि 8 मेगापिक्सल का होगा। जबकि थर्ड सेंसर होने वाला है दोस्तों यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर। बात करें दोस्तों सेल्फी कैमरे की, तो यहाँ पर जो सेल्फी कैमरा होने वाला है वो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होने वाला है। जो Vivo Z1 Pro का कैमरा था वो भी काफ़ी ज़बरदस्त आपको देखने को मिला था, और वहाँ पर भी आपको 32 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा है दोस्तों वो प्रोवाइड किया जा रहा है। बात करें दोस्तों बैटरी की, तो इस स्मार्टफोन में आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, यानी कि Realme X से भी ज़्यादा बड़ी बैटरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, साथ में Redmi K20 एंड K20 Pro से भी। और OS की बात करें तो आपको फनटच OS 9 देखने को मिलेगा, जो कि Android P पर काम करेगा। और फीचर्स की बात करें तो इस बार आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड किया जा रहा है इस स्मार्टफोन में आपको, और USB टाइप सी नहीं मिलेगा, आपको माइक्रो USB ही पोर्ट मिलेगा। इसमें 3.5 mm वाला ऑडियो जैक यहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो और साथ में एक एक्स्ट्रा बटन यहां पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप जो है डायरेक्ट अपने गूगल वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये कुछ स्मार्टफोन जो है 7 अगस्त को इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाने वाला है। वैसे इस स्मार्टफोन को इंडोनेशिया के अंदर पहले ही लॉन्च कर दिया गया है। अगर उस कीमत की बात करें कि इंडिया में जो है यहाँ पर कितनी कीमत हो सकती है उस प्राइस के हिसाब से, तो करीबन 17,000 रुपये के आसपास इंडिया में इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से 17,000 रुपये में काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन यहाँ पर Vivo S1 आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है। तो वैसे आप बताना, वैसे आप लोग बताना कि Vivo S1 के जो स्पेसिफिकेशंस है वो आपको कैसे लगे। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।